अब वहाँ से लगेज रिसीव करने के बाद अब यहाँ पे आए हैं कस्टम, यहाँ से डोमेस्टिक ट्रांसफर एंड इमिग्रेशन बैगेज का स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में है, इंडिगो में और इस साइड में पाकिस्तान एयरलाइंस में। पुलिस वाले और जो यहाँ एयरपोर्ट के जो स्टाफ हैं वो सबसे पहले आपसे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं ट्रेवल का, रियाद टू दिल्ली, रियाद टू जयपुर और रियाद टू बिहार सीमांत का जो ट्रेवल वीडियो वो देख चुके हैं। आज तो आज फयाज घर जा रहा है, फयाज सबको जानते ही है, ये मेरा भाई, अपना भाई है। तो आज ये ट्रेवल करने वाला है रियाद टू कोलकाता, तो अभी इसको जा रहे हैं ड्रॉप करने एयरपोर्ट पे। इसका फ्लाइट है 7:40 में, तो अभी यहाँ पे बज रहा है 4, तो जा रहे हैं एयरपोर्ट ड्रॉप करने। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, और आज का ब्लॉग पूरा संभालेगा फैयाज, जो ट्रैवल ब्लॉग होगा, जो ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा ये आपको आगे वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि इम्तियाज भाई तो रियाद एयरपोर्ट पर हमको छोड़ देंगे, वहाँ से चले आएंगे, तो मैं दिल्ली पहुँचूंगा, फिर दिल्ली से कोलकाता पहुँचूंगा, तो उसके दरमियान क्या क्या मेरे हम जो फेस करेंगे वो आपको वीडियो में शेयर करेंगे। और एक बात और, आप वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब 90% मिल जाएगा, जो बाकी सवाल होगा आप कमेंट करके पूछे और मैं आपको शेयर करूंगा, आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। तो चलो फिर बस सामान निकालो। सामान तो आज हम ही अकेले हैं, सपोर्ट में नहीं है। तो ये है फयाज का लगेज, एक और लगेज बचा हुआ है, वो लेके आ रहा है फयाज। हाँ, वो लेके आ रहा है फयाज, ये कार्टून है। सामान पूरा लोडिंग हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। और अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है अभी, एक जो है PCR टेस्ट बोल लीजिएगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो इंडिया में आपको एयरपोर्ट पर चेक करेगा। तो ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एयर सुविधा जिसको बोलते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब एयरपोर्ट के लिए, अभी शाम का वक्त हो जाएगा, ट्रैफिक भी होगा। और बता दें आप लोगों को कि जो फयाज का फ्लाइट है ये रियाद टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता है। तो सऊदी अरब से कोई भी अभी तक फ़्लाइट नहीं है रियाद टू डायरेक्ट कोलकाता के लिए, या सऊदी अरब से कोई भी एयरपोर्ट से फ़िलहाल अभी तक कोई भी फ़्लाइट नहीं है जाने के लिए कोलकाता डायरेक्ट। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं कोलकाता तो आपको जाना पड़ेगा दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह से, या जो अपना जो इंडिया का जो फ़्लाइट है डोमेस्टिक फ़्लाइट, आपको दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ से इस तरह से आपको जाना पड़ेगा भाई, वहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं है फ़िलहाल अभी, सऊदी से कोलकाता के लिए या सऊदी से पटना के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जाना पड़ेगा भाई आइए। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, शाम का वक्त है, तो हम अभी सऊदी के छोटे छोटे गांव से होकर जा रहे हैं। तो ये सब देख सकते हैं, ये सऊदी का गांव है। तो अब लोग सोचेंगे सऊदी का गांव जो है जैसे इंडिया में होता है झोपड़ी वैसा नहीं, घर नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा ही घर होता है गाँव में। शाम का टाइम है 4 बजे के बाद, देखिए कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है, एकदम सनशाइन वाली धूप है। और ये यहाँ की सऊदी अरब की बेहद ही खास रोड है, इसके आगे जो है किंग पैलेस है जी, वो उसका हम वीडियो नहीं डाल सकते, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये किंग पे अभी ये रोड बिल्कुल खाली है। इसके बाद हम जाएंगे मक्का रोड में, जो बहुत ही जाम का टाइम है अभी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ ट्रैफिक अभी, इसलिए हम ये सब जा रहे हैं शॉर्टकट जा रहे हैं रास्ते से। क्लीन एंड नीट, एकदम साफ है एकदम, क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत स्पीड चलती है ना, इसलिए यहाँ रोड बहुत ही स्मूथ है, जर्किन लेस होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन रोड जो है एयरपोर्ट का जाने का, उस पर आ चुके हैं, पहले तो हम शॉर्टकट आए हैं, लेकिन अभी जो शाम का वक्त है तो ट्रैफिक तो बोल नहीं सकते हैं, इतना ट्रैफिक है, इसलिए हम लोग वक्त से 1 घंटा ज़्यादा ही टाइम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है इस वक्त में। फयाज का रियाद टू कोलकाता का टिकट कॉस्ट अराउंड 600 था, 575 रियाल टिकट कॉस्ट था रियाद टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता का। लेकिन इसमें उसमें क्या था, 30 किलो लगेज था, तो इसमें हम लोग 10 केजी लगेज ऐड कराए, तो इसका कॉस्ट होता है 100 रियाल होता है 10 किलो ऐड कराने का, प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा मील ऐड किए हैं, तो मील का लगता है 18 रियाल,
और एक्स्ट्रा सीट इसमें मतलब सीट जो एक्सरसाइज के लिए लिए गया है तो उसका भी शायद था 58 रियल, क्योंकि इसमें ये जो है इंडिगो फ्लाइट है, इसमें बिजनेस क्लास नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्सल सीट लिया गया है 58 रियल का है। तो और PCR टेस्ट का 100 रियाल था, तो सब मिला जुला के कॉस्ट पड़ा था 900 रियाल। हाँ 950 ऐसे कुछ पड़ा था। एयरपोर्ट जो है हम लोग के रूम से है 65 किलोमीटर। अभी जा रहे थे बट पेट्रोल खत्म हो चुका है, पेट्रोल लेना पड़ेगा, कार आ चुका है रिजर्व में। पेट्रोल नहीं मिला क्योंकि पेट्रोल अभी हो रहा है अनलोडिंग, तो इसका टाइम रहेगा हाफ एन आवर्स। तो फिलहाल अभी हम लोगों को ज़्यादा लेट है, हम लोग जा रहे हैं जल्दी एयरपोर्ट पहले, उसके बाद ले लेंगे पेट्रोल यहाँ पे। फाइनली हम लोग किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए और सामने देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे फ्लाइट लगी हुई है वेटिंग एरिया में। नॉर्मली टाइम लगता है 35 मिनट आने में, आज लग गया 1 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, शाम का वक्त था इसलिए। तो फयाज का आ चुका है फाइनल टाइम बोर्डिंग कराने का, क्या फयाज? ये देख सकते हैं एयरपोर्ट का रश और भीड़ भाड़। इधर चल रहा है ओमान एयर का बोर्डिंग, उस साइड में होगा इंडिगो, वहाँ हो रहा है इंडिगो बोर्डिंग। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में है, इंडिगो में और इस साइड में पाकिस्तान एयरलाइंस में। यहाँ पे मशीन भी लगा हुआ है सेल्फ सर्विस का और फास्ट ट्रैक का, ये देख सकते हैं जवाजात का। ये जो सामने देख रहे हैं ये है लगेज वेट मशीन, देखिए वहाँ मीटर लगा हुआ है, वही देखता है वो लोग। तो फयाज पहुँच चुका है फाइनल, उसका हो रहा है बोर्डिंग, वो आता है तो बताते हैं कितना लगेज एक्स्ट्रा था, कितना सामान ज़्यादा था। तो फयाज का मिल चुका है बोर्डिंग पास, ये देख सकते हैं। चलो कुछ दिक्कत नहीं आसमान का ना, कोई दिक्कत नहीं, जो जितना लगेज था उतना लगेज। तो फयाज अब जा रहा है फाइनल अंदर इमिग्रेशन के लिए। ठीक है, जा ओके, अल्लाह ठीक है। तो फयाज का सब कुछ हो चुका सही से, उसको बोर्डिंग पास यहाँ से यहीं से मिल गया रियाद टू दिल्ली और दिल्ली टू कोलकाता का। और थोड़ा हैंड लगेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हैंड लगेज में 9 किलो 800 ग्राम था तो छोड़ा नहीं, फिर सामान निकालना पड़ा, 1 किलो एक्स्ट्रा निकालना पड़ा, उसके बाद छोड़ दिया तो चला गया। अभी अंदर गया है फ्लाइट में बैठ के, जैसा होगा वो आगे एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आपसे हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, अब सब लाइन में लगे हुए हैं। बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैंने फ्लाइट के अंदर इंटर कर गए हैं और जो मेरा सीट था मैं वही सीट पर बैठा हूँ और सेम टाइम पे ये खुलवा दिया 7:40 में। और पीछे ये देख सकते हैं सब भी लोग बैठे हुए हैं अपने अपने सीट पे। फ्लाइट ऑन द टाइम है दिल्ली के लिए, ठीक है जैसा आगे होता है वैसा आपको करते हैं। तो अभी फ्लाइट में खाने का डिनर का टाइम हो गया,
डिनर में वो हमसे पूछे कि वो एयर होस्टेस ने पूछे कि आपको वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए। मैंने बोला कि वेज चाहिए, तो वेज में उसने वेज में क्वालिटी है क्या चाहिए वेज में, तो बहुत सा ऑप्शन था, पोहा था, ये सब 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 था। मैंने पोहा का ऑर्डर दिया हूँ और ये आया और ये उसके साथ भुजिया भुजिया दिया बस। 5 hours later फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट में हम लोग लैंड कर गए हैं और इंडिया के टाइम के हिसाब से 1:45 में लैंड किए। ठीक है, फिर एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप फ्लैट से बाहर निकलेंगे तो एंट्री गेट पे ही पुलिस वाले और जो यहाँ एयरपोर्ट के जो स्टाफ हैं वो सबसे पहले आपसे एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे मांगेंगे। अब उसकी तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, इससे यहाँ एस्केलेटर के थ्रू यहाँ से डोमेस्टिक ट्रांसफ़र एंड इमिग्रेशन बैगेज का स्टार्ट होता है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। यहाँ से पासपोर्ट चेक करने के बाद आप अपना लगेज यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। लगेज कभी कभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो मेरा लगेज एक बार वहाँ पर रखा हुआ था जो स्टाफ लोग निकाल के बीच में रख देते हैं क्योंकि वो उस पर स्पेस नहीं रहता, तो यहाँ पर हमको सेकेंड लगेज मिला। और मेरा लगेज देखें सामने यहाँ पर दोनों लगेज हैं, एक लगेज ये है, एक लगेज इसके नीचे है, ये मेरा हैंड लगेज। तो मेरा सब काम हो गया, अब मैं डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए टर्मिनल 1 पर जाऊंगा कोलकाता फ्लाइट के लिए। ये हमारे भाई साहब हैं, ये दिल्ली से पटना जाएंगे, ठीक है हम जाएंगे कोलकाता, ये जाएंगे पटना। अब वहां से लगेज रिसीव करने के बाद अब यहां पे आए हैं कस्टम, इंडियन कस्टम के पास। अब ये जो आगे लाइन देख रहे हैं सब रियाद से आए हुए हैं, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर कस्टम चेक होंगे, देखते हैं मेरा क्या होता। रियाद से जैसे हम आए हैं और ये इंटरनेशनल अराइवल से बाहर निकलते ही ये दिल्ली एयरपोर्ट के कुछ बाहर का विजुअल है। आ गई बस जो हम लोग टर्मिनल 1 पर ड्रॉप करी, सभी लोग जा रहे हैं और इस बस में बैठने के लिए टर्मिनल 1 पर पहुंचने के लिए इसके साइट में ही ये कूपन है, कूपन लेके ही आपको बस में बैठना पड़ेगा, विदाउट कूपन आपको बैठने नहीं देगा। ETC बस में मैं बैठ गया हूँ और यहाँ से टर्मिनल 1 के लिए जा रहा हूँ। इस बस में बैठने के लिए लाजिम आपको वहाँ काउंटर से कूपन लेना होगा, एक कूपन ETC वाले इनको देना होगा, पैसेंजर कॉपी वाला आपको अपने आप को करना होगा। अब दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे बोर्डिंग हो रहा है, तो अब इसके बाद मेरा नंबर है, फ्लाइट 10 बजे 3 में है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम सऊदी अरब से अगर इंडिया गए, दिल्ली गए या मुंबई गए तो एयरपोर्ट पर मुझे क्वारंटाइन पैकेज तो नहीं लेना पड़ेगा या क्वारंटाइन तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं रियाद से सफ़र करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आया हूँ, आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी को ये अपडेट है कि जब मैं बोर्डिंग पास ले कर वहाँ निकला हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बोर्डिंग पास पर मुझे होम क्वारंटाइन का स्टाम्प लगा दिया। आप ऐसे वीडियो में देख सकते हैं, होम क्वारंटाइन का एक स्टाम्प है जो लगा हुआ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचेंगे कि अगर हम सऊदी अरब से इंडिया जाएं तो मुझे 7 दिन के लिए कोई होटल में या कोई एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन तो नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, होम क्वारंटाइन है, आप होम क्वारंटाइन में रहेंगे। और यही बात है, जैसा अभी अपडेट है, जैसा मैं फेस किया हूँ वही आपसे शेयर किया हूँ। सुबह 3:30 बजे से यहाँ एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ, बहुत थक चुका हूँ और रात भर सोया नहीं हूँ, इसलिए आवाज़ आपको समझ में आना कितना धीमा हो गया मेरा आवाज़। तो वेट करते हैं। तो कोलकाता एयरपोर्ट पर हम लोग लैंड कर गए हैं, फ्लाइट टाइम से थी और टाइम से हम लोग आ गए हैं, तो अभी हम डोमेस्टिक अराइवल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से लगेज कलेक्ट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, जैसा कुछ होता है बताएंगे आपको। सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता में अराइवल कर चुके हैं और यहाँ के कुछ व्यू देख सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत अपने रूम पे पहुँच गया हूँ कोलकाता होम सिटी में और सफ़र का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह सही अच्छा रहा। गया हूँ, अभी शाम का टाइम है, लगभग 3 या 4 बज रहा है
और रूम में बैठा हुआ अलहमदिल्ला सही सलामत रूम में आ गया हूँ। तो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई भी आपको जानकारी लेना है तो आप वीडियो में देख के ही आप बहुत कुछ आपको जानकारी मिल गया होगा। अगर तब भी आपको कुछ बात पूछना है या कुछ जानकारी लेना है तो आप वीडियो में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यही हम लोग का एक ट्रैवलिंग ब्लॉग था, तो आपको इससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन बहुत सी लेटेस्ट न्यूज़ मिला होगा। और सबसे पहले और एक बात और, कभी वहाँ सॉरी कि लोग आप लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में आने में आपको क्वारंटाइन करेगा, तो ऐसा कुछ हो ऐसा कुछ है नहीं। आपका बोर्डिंग पास पर ही 7 दिन या 5 दिन के लिए आपको होम क्वारंटाइन का स्टाम्प लग देगा, जिससे आप जो भी डेस्टिनेशन है आपका कोलकाता हो या बिहार हो या हैदराबाद हो कहीं भी आपको 7 दिन या 5 दिन आपको रूम के अंदर रहना है। तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ये वीडियो का सबसे स्पेशल थैंक्स इम्तियाज़ ब्लॉग को करें, इम्तियाज़ भाई को करें, जिसने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर किया है। हम तो सिर्फ उनको वीडियो दे सकते हैं लेकिन वो जानकारी आप लोगों को सामने शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।